मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बृहस्पतिवार दोपहर संजय गांधी पीजीआई से डिस्चार्ज कर दिया। सुबह से ही यहां बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी मुस्तैद थी। बांदा पुलिस के अधिकारी व जवान भी गाड़ियों के साथ मौजूद थे। लेकिन सवाल ये बन गया कि स्वास्थ्य विभाग के इस बड़े अस्पताल में एडमिट थे मुख्तार अंसारी, यहाँ उनका इलाज हुआ, एंजियोग्राफी हुई, कई सारे रिपोर्टों में उनको सही बताया गया, उसके बाद डिस्चार्ज किया गया। लेकिन सवाल ये बन गया वहां पर जब अब्बास अंसारी ने कहा कि कुछ बिचौलियों मंत्रियों के दबाव में उन्हें डिस्चार्ज किया गया। अब बात ये आती है कि जिस तरह के सवाल अब्बास अंसारी ने उठाया उसमें कितना दम है। उन्होंने एक बात और कहा, हार्ट अटैक के बाद मरीज की स्थिति क्या होती है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, यानी कमजोरी उन्होंने बताया, उसके बावजूद भी उनके अब्बा को डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने साफ कहा अब्बा को अभी काफी कमजोरी है, इसके बावजूद भाजपा सरकार के मंत्रियों के दबाव में उन्हें दोबारा जेल में शिफ्ट किया। कई सवाल छोड़ गया बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का बीमार। सवाल नंबर एक, हार्ट अटैक आखिर किस कारण मुख्तार अंसारी को आया, वो कारण अभी स्पष्ट। और अगर क्या बाहुबली विधायक अंसारी को स्वास्थ्य संबंधी पहले से कोई शिकायत थी? अगर कोई शिकायत थी तो जेल प्रशासन ने इस प्रकरण पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तीसरा सवाल, लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में मुख्तार अंसारी के शारीरिक परीक्षण में कई रिपोर्ट में नॉर्मल बताया गया, लेकिन यदि अब्बास अंसारी की माने तो मुख्तार अंसारी को अस्पताल सेवा की आवश्यकता थी और आवश्यकता थी उसके बावजूद उन्हें डिस्चार्ज क्यों कर दिया गया, और इस डिस्चार्ज करने की जल्दबाजी आखिर अस्पताल प्रशासन को क्यों पड़ी? चौथा सवाल, अब्बास अंसारी द्वारा लगाया जा रहा कुछ मंत्रियों पर आरोप कहीं ना कहीं साजिश का रूप गठित करता नजर तो नहीं आ रहा है, और अगर ये साजिश रची जा रही है तो आखिर क्यों? एक आखिरी सवाल ये बनता है कि एक बात तो साफ है कि साजिश तो आखिर कहीं ना कहीं से तो है, अब ये साजिश किस तरफ से है यह तो समय बताएगा, लेकिन समूचा माहौल कई सवाल छोड़ गया। साजिश मुख्तार अंसारी की तरफ से है या साजिश उस प्रशासन और शासन की तरफ से है जहां का आरोप लगा है अब्बास अंसारी के द्वारा, यानी इस पूरे माहौल में कहीं ना कहीं साजिश की बदबू और साजिश के तहत किसी को एक दिशा में ले जाने का प्रयास, वो दिशा क्या है और वो साजिश क्या है वो तो समय बताएगा, लेकिन साजिश के तहत ही ये पूरा माहौल बनता और बिगड़ता नजर आ रहा है। सुनिए आखिर अब्बास अंसारी ने क्या कहा और उनके मुख्तार अंसारी के भाई ने आखिर क्या जवाब दिया विपक्ष पर। आज क्या क्यों आज डिस्चार्ज कर दिया गया अचानक? देखिए तबीयत अभी नासाज बनी हुई है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक के बाद एक आदमी को बॉडी में कितनी वीकनेस हो जाती है, मगर सत्ता पक्ष के कुछ मंत्रियों के दबाव से अस्पताल प्रशासन जो है उनको ऊपर दबाव था कि आप जल्द से जल्द इनको यहाँ से हटा करके जेल में शिफ्ट करें। उनका कहना था कि अब जितना इलाज होना था हो गया है और इसके बाद का जितना भी इलाज है वो उनको जेल में कराया जाए, बल्कि अभी डॉक्टरों का ये मानना था कि वीकनेस बरकरार है और डॉक्टर अभी कुछ वक्त और रोकना चाहते हैं। फिर मिला के आप लोग क्या आरोप, सत्ता पक्ष पार्टी पर आरोप? देखिए सत्ता पक्ष पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, बस इतना कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया है, मगर हाँ सत्ता के कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कि बिचौलिया हैं और उनकी वजह से उन्होंने प्रेशर बनाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह की ये सब काम किए। साथ जो ज्यादती हुई तो उसको उसी दशा में डिस्चार्ज करके और फिर सड़क मार्ग से भेजा गया। वो सर आप जो है डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट सही मान रहे हैं?
फिर ये रिपोर्ट क्यों गलत मान रहे हैं कि उसको जो भेजा गया वो सही है, पूरी तरीके से ठीक था? नहीं, भेजा जाना ही गलत है, उनको उस तरह से भेजा जाना गलत है। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि उन्हें हार्ट अटैक था और हार्ट डैमेज नहीं हुआ है, बचा हुआ है, रेस्ट की जरूरत है, सड़क मार्ग से न चले, पूरा रेस्ट लें, ये दवा खाएं, ये खाना खाएं, तो यहाँ से बाधा क्या उड़ के गए, यहाँ तो फिर रोड से भेजा। इस पूरे मामले के लिए फिर झोरा के एक बार और उनको हार्ट अटैक हो जाए, काम तमाम हो। मुख्तार अंसारी को हराने के लिए एड़ी चोटी लग गई थी, उसके बाद भी वो जीत के आया है, तो जिन लोगों को दर्द है वो लोग इसमें भूमिका निभा रहे हैं। लखनऊ के कौन से अधिकारी हैं जिनसे आपको शिकायत है पूरे मामले में? देखिए, एक वहाँ पे कोई कोतवाल हैं या दरोगा हैं, जो भी पीजीआई के राय साहब हैं, वो वहीं के हइए हैं, और उन्हीं के स्वजाति यहाँ एसएसपी साहब हैं। दो लोगों को तो स्पेशल पीड़ा है, अब इस पीड़ा को हम कैसे दूर करें?